दोस्तों यहाँ पे आज आपको मैं CTS स्कीम की कुछ जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, CTS स्कीम पहला तो ये है, ये अंडर गवर्नमेंट ट्रेनी स्कीम होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, और प्राइवेट इंडस्ट्री में कंपनी में ये लागू होती है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 साल 3 साल की जॉब मिलती है, और इसमें ITI के कैंडिडेट, ठीक है, इसमें 10th 12th के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। किसी कंपनी में बॉयज़, किसी कंपनी में गर्ल्स, या किसी कंपनी में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या है, इसमें जो ITI के कैंडिडेट होते हैं उनको पॉलिटेक्निक करवाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, और जो यहाँ पे 10th या 12th के कैंडिडेट होते हैं उनको ITI करवाया जाता है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के साथ में ही सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आपका खर्च चल सके। यहाँ पे कुछ दिन आपकी पढ़ाई भी होती है और आपको काम भी करना होता है। किसी किसी इंडस्ट्री में 5 दिन काम करना होता है, 1 दिन कंटिन्यू आपको कॉलेज जाना होता है, ठीक है, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट होता है, एकेडमी होती है उसमें। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि आपको सभी दिन, वीक के 6 दिन आपको आपका काम भी करना है, और उसके बाद में 2 घंटे आपको दिए जाते हैं आपकी ये ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी जो है 13,000 तक मिल जाती है, ठीक है, 13,000 से 15,000 के बीच में ये सैलरी मिलती है। किसी किसी कंपनी में कम भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, वो कंपनी के अनुसार आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी मारुति सुजुकी में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, ये यही लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके द्वारा आपको फॉर्म अप्लीकेशन भरना है अपना, और जॉब के लिए एक भी पैसा नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। आपको घर बैठे कॉल आएगा, इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपको वो कंप्लीट करना है, इसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे बॉयज़ कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे आपको कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी, यहाँ पे आपका PF नहीं कटेगा, ठीक है। जितना सैलरी आपको मिलेगा टोटल इन हैंड आपको सैलरी दिया जाएगा। 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे जो आपके पढ़ाई लिखाई के जो बुक्स होते हैं वो भी कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि CTS स्कीम में 18 से 20 वर्ष के कैंडिडेट जो भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ कमाई का मौका है, बेहतर है आपके लिए जो कैंडिडेट मिडिल क्लास से हैं, जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनको घर से पैसा नहीं मिल सकता है, ITI करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है, आपको जाना चाहिए इसमें। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, कृपया रजिस्ट्रेशन करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कुछ यहाँ पे निर्देश हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट सभी डिटेल्स में नेम, फादर्स नेम और एज अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करवा लें, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके सभी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट तो है ही, उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इन सभी में एक जैसा आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम, आपके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में 10वीं की परीक्षा में आपके 50% अंक होने चाहिए मिनिमम, या फिर उससे अधिक होने चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट में जो बताया गया है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट कर चुके हैं, जो ITI कर चुके हैं, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी बाकी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, यहाँ पे 10th और 12th वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया, अगर ऐसा आप करते हैं, आपने ITI कर रखा है और आपने यहाँ पे CTS स्कीम के थ्रू अभी ज्वाइनिंग लिया इस वैकेंसी में, तो आपको बाद में निकाल दिया जाएगा। तो आप अभी नहीं करेंगे, अगर आपकी कोई फैमिली में है जिसने 10th कर रखा है, जिसने 12th कर रखा है, ITI करना चाहता है, उसको भेज सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है आपकी उम्र ज्वाइनिंग के समय 18 से 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष हो या फिर 20 वर्ष हो, ठीक है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन ध्यानपूर्वक करें और फॉर्म में गलती ना करें, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप गलती करते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आपको। 6ठे नंबर पे यहाँ पे बताया गया ये निशुल्क है, बिल्कुल एडमिशन निशुल्क है, ठीक है। एडमिशन के लिए पैसे मांगने वालों से सावधान रहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो इसलिए कंपनी आपको पहले ही अवेयर कर देती है कि आपको सावधान रहना है, आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको पैसा दे के जॉब लेनी पड़े, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि आप अगर चाहें तो अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सभी शर्तों में एलिजिबल होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ और ही स्कीम चल रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, तो इस लिंक पे आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ये लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके और भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है, नॉर्मल आपका फॉर्म रहेगा, जो आपकी डिटेल पूछी जा रही है वो आपको भरनी है, व्हाट्सएप नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, दोनों जो चल रहे हैं, ठीक है, हो सके तो सेम ही नंबर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे स्टेट, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब आपको फिल करना है, 10th में कितने परसेंटेज थे, और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, यहाँ पे अगर आपने इस CTS स्कीम के लिए पहले फॉर्म अप्लाई किया है तो यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है, ठीक है। अगर यस कर देंगे तो आपने अगर पहले कर रखा है तो आपका पहले वाला प्रोफाइल देखकर आपको बुलाया जाएगा, अगर नो करेंगे तो आपको बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो आप कर सकते हैं, ओके। और यही पूरी डिटेल थी, इसमें आपको जॉब के लिए पैसा नहीं देना है। सैलरी यहाँ पे कितनी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, स्टाइपेंड प्रूफ दिखा देता हूँ जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। यहाँ पे डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पे आप सैलरी देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपका 2 साल का ये कोर्स रहेगा और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 13,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ। कैंटीन की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, NCVT का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे आपको जॉब जो मिलेगी तो मारुति सुजुकी के गुड़गांव और मानेसर प्लांट में मिलेगी, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए चेक कीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो